नमस्ते। जब लोग प्रोफेशनली आपका करियर खराब नहीं कर पाते हैं, पर्सनली आपके रिश्तों को बिगाड़ नहीं पाते हैं, तो उसके बाद वो टारगेट बनाते हैं आपके बिहेवियर को, क्योंकि आपकी अच्छाई ना उनको हजम नहीं हो रही होती है। वो ये सोचते हैं कि इतना बुरा करने के बावजूद भी आप इतनी शांति से कैसे रह सकते हो। उनके खुद के मन में इतनी बेचैनी होती है कि उन्हें आपका पीसफुली रहना अच्छा नहीं लग रहा होता है। लोग बड़े चालाक होते हैं ना, और सबसे बुरी बात क्या है कि लोग अपनी चालाकी का इस्तेमाल हमेशा अच्छे लोगों पर ही करते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे आपको प्रोवोक करने की, ताकि आप अपने स्टैंडर्ड से गिर जाएं और कोई ऐसी हरकत करें जिससे उन्हें मौका मिल जाए 10 लोगों के बीच आपको गलत साबित करने का। लेकिन आपको भी यहाँ पर थोड़ी चालाकी दिखानी है। आपको उनके इंटेंशन समझ जाने हैं और खुद को उनके लेवल तक नहीं गिराना है। ये काम बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। क्योंकि वो कहावत तो आपने सुनी होगी कि शेर चाहे कितना ही भूखा क्यों ना हो, लेकिन वो घास कभी नहीं खाएगा। इसलिए आपको भी यही ध्यान रखना है, किसी के गलत व्यवहार के लिए अपनी अच्छाई को मत छोड़िए, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग। नमस्ते।